मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTEC IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ JEE, PRE-RMO, KVBI, NSEJS, ISI, NCMI, .1 lakh+ स्टूडेंट्स, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। तो दोस्तों, ये मेरा ट्रैकर है tinyurl.com/JEEADVMath, t.me/PJSir42, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ठीक है। तो दोस्तों, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर आप लोगों को पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर मिलता है और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग आप लोगों को भी मिलती है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप। प्लस के अंदर आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, प्लस के सारे फीचर्स आप लोगों को दोस्तों आइकॉनिक के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। सो ओपन हाउस सेशन है दोस्तों मेरा 6:30 बजे, 6:30 बजे आप लोग ओपन हाउस सेशन में आ सकते हैं। ओपन हाउस सेशन बेसिकली आप मेरे साथ VC कर सकते हैं, वॉइस चैट आप लोग कर सकते हैं। सो आई विल बी इन्वाइटिंग 5 स्टूडेंट्स ऑन VC, राइट? यस, दिस इज ऑन YT ओनली, दिस इज ऑन YT ओनली गाइज, दिस इज ऑन YT ओनली, ठीक है। तो अनअकैडमी प्रोडिजी का एग्जामिनेशन आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, अनअकैडमी प्रोडिजी का एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हैं, आखिरी प्रोडिजी है ये, ठीक है। 10 AM को होगा 27 February के अंदर, ठीक है। सो ULIT अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज अवेल करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, ULIT का सब्सक्रिप्शन लेना है, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग 10% डिस्काउंट इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्रिप्शन लो, पीजे लाइव कोड यूज करो और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो। स्टार्ट करते हैं वेकिंग अप अर्ली। अब देखिए, जो एक टॉपर होता है ना, वो अपनी स्लीपिंग केयर को बहुत ही ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है, 4-5 घंटे सोई है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए टॉपर्स किस चीज का ध्यान रखते हैं बच्चों, वेकिंग अप अर्ली का। और वेकिंग अप अर्ली और स्लीपिंग में कनेक्शन अभी मैं थोड़ी देर में सेट करूंगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेकिंग अप अर्ली, बिकॉज मॉर्निंग बहुत शांत टाइम होता है, 6 बजे तक बच्चे जनरली उठ जाते हैं जो टॉपर्स होते हैं, और फिर वो बिल्कुल फ्रेशन अप वगैरह हो जाए, होके अपने शेड्यूल में लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आइडियल जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो 1 go में होना चाहिए। पहली बात तो 6 से 6:30 घंटे, 6 से 6:30 घंटे बच्चों को सोना चाहिए। अगर बच्चे 6 से 6:30 घंटे तक सोते हैं तो मेरे हिसाब से उनको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है किस चीज़ के अंदर, अपने दिन भर के शेड्यूल को मैनेज करने के लिए। तो एक जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग गिल्टी डेज, रिड्यूसिंग गिल्टी डेज का क्या मतलब होता है, देखिए गिल्टी डेज को, ये एक टर्म है जो मैंने ही बनाई है और जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज करता था। गिल्टी डेज का मतलब क्या होता है, जब आप उठते हैं सुबह फ्रेशन अप होने जाते हैं, तो हर एक बच्चे के दिमाग में या फिर हर एक पर्सन के दिमाग में चलता है कि भाई आज मैं क्या क्या करूंगा। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि आज मेरे को ये सब चीजें करनी है, और उसके बाद फिर पूरे दिन भर की चीजें चलती हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी नहीं होते, कभी बिल्कुल शेड्यूल पे चलते हैं, कभी टारगेट अचीव हो जाता है, कभी ज्यादा अचीव हो जाता है, कभी कम अचीव होता है। रात को जब बच्चे सोते हैं, मैं भी जब सोता था तो मैं ये सोचता था कि यार आज दिन भर में मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैं गिल्टी डेज कैलकुलेट करता था। गिल्टी डेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब बच्चों ये है कि आपने जो टारगेट दिन भर का रखा था, क्या वो टारगेट आपने अचीव किया। मतलब अगर आपने सोचा था कि भाई आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने क्वेश्चंस करेंगे, पहली बात, दूसरा आपने सोचा था कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, तीसरा आपने सोचा था फिजिक्स के अंदर आप ये चीज करेंगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ये तीनों टारगेट आपने रखे, और ये तीनों टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए वो डे नॉट गिल्टी हो जाता है। और गिल्टी डे का मतलब क्या होता है कि आपने उस के हिसाब से काम नहीं किया। मान लीजिए आप किसी पार्टी में चले गए, या फिर किसी भी रीजन से आपका वो काम नहीं हो पाया, आप डिस्ट्रैक्टेड थे किसी भी रीजन से, तो पॉइंट ये है कि गिल्टी डेज आपको रिड्यूस करने हैं। कोशिश कीजिए कि 1 महीने में 2 गिल्टी डेज से ज्यादा आपके नहीं आए, तो इसी हिसाब से आपका शेड्यूल होना चाहिए फिर। तो डेली शेड्यूल का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे आपने पढ़ लिए,
पॉइंट ये है कि आपके सारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। अगर वो 6 घंटे में हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने टारगेट सेटिंग बहुत ही गलत की है। अगर वो 9 घंटे में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेटली टारगेट सेट करते हैं। गिल्टी डेज आपके मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। तो ये एक मेरी तरफ से टिप है कि आपको अपने गिल्टी डेज रिड्यूस करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिवोटिंग टाइम फॉर टॉपिक्स। डिवोटिंग टाइम फॉर टॉपिक्स और गिल्टी डेज रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए आप उठते हैं तो क्या होता है कि आपका पार्ट ऑफ द डे किस चीज के अंदर जाता है जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। करंट टॉपिक्स मतलब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर आप ये मान लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज से पहले ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी ये आपका मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है और फिजिक्स के अंदर आपका काइनेमेटिक्स हो चुका है। तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम रिविजन को भी देना होता है। तो आपका जो डेली शेड्यूल है ना उसके अंदर थोड़ा टाइम आपको प्रीवियस टॉपिक्स को भी देना होता है कि भाई वो उनसे आपका टच ना जाए। और ये कब इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाएगा, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, मान लीजिए कि 11th के मिड तक पहुंच गए, 12th के मिड तक पहुंच गए, जब बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन बेटा क्या है इस चीज को लेकर, मेरा सजेशन आपको ये है कि कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस टॉपिक्स को भी थोड़ा सा वेटेज दे सकें। ठीक है, जैसे ही आप वेटेज देंगे तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा, आप रिवीजन प्रॉपरली करते जाएंगे। एक और टिप मैंने रिकॉर्ड की थी, माय सक्सेस मंत्र जब मैंने रिकॉर्ड किया था कि भाई मैं कैसे रैंक लेकर आया, तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी कि मैं हर दिन थोड़ा 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 रिविजन करता रहता था अगले टेस्ट के लिए। तो आप अगर अगले टेस्ट को टारगेट लेके अपने टॉपिक्स को टाइम डिवोट करते हैं तो ये भी एक बहुत आइडियल शेड्यूल होता है। मान लीजिए 3 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है, उस टेस्ट को आपको आईआईटी जेई की सीरियसनेस से प्रिपेयर करना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे उसके अंदर रोज कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप उसके अंदर डिवोट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये एक टॉपर के आइडियल शेड्यूल का पार्ट होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ उनको टॉपिक डालने होते हैं प्रीवियस वाले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हैविंग ब्रॉड वीकली टारगेट्स। अब देखिए क्या होता है कि संडे हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि देखिए आईआईटी का पेपर एक तो संडे को होता है। ठीक है, तो 9 से 12, 2 से 5 मान लीजिए आपने पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद का जो टाइम है ना आप एक तो एनालिसिस के अंदर इंप्लीमेंट करते होंगे, अगर नहीं करते तो करना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया था कि हर संडे को आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सोचनी चाहिए। उसके बाद आपको अगले वीक का उसी के मैं पूरे अगले वीक के 6 दिन अंदर ना मंडे से सैटरडे उसके टारगेट्स बनाऊंगा, और ये फिक्स कीजिए कि अगर ये टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो ये गिल्टी डेज में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, संडे को टेस्ट दे दिया आपने या फिर टेस्ट नहीं है। ठीक है, अब आपने भाई अगले वीक का टारगेट बनाया कि भाई मेरी क्लास में ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो उसके हिसाब से मैं मेरा ये टारगेट है और मैं ये सब चीजें करने वाला हूं। ठीक है, आपने ये सब चीजें लिख ली, अच्छे से नोट डाउन कर ली, और फिर आपने एक जगह पे ये ध्यान रखा कि भाई मंडे का टारगेट क्या है, ट्यूसडे का टारगेट क्या है, और फिर इसको वेडनेसडे को रिव्यू कीजिए। वेडनेसडे को रिव्यू कीजिए मतलब कि भाई वेडनेसडे को अगर आपको लग रहा है कि यार आप टारगेट्स में पीछे चल रहे हो तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपको अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर वेंसडे तक आप और अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपकी उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है आपका, तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के फिर टारगेट्स बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये इवैल्यूएशन की कमी होती है। इसीलिए ही मैं आपको बता देता हूं कि यही रीजन है कि 99% बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको प्लीज ध्यान रखना है और कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव ना हो, है ना। अच्छा, एक मैं ये चीज बता देता हूँ कि जो बच्चे डेली टारगेट्स रखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि डेली टारगेट्स रख रहे हैं, मेरे हिसाब से डेली टारगेट्स रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप इतनी माइक्रो प्लानिंग नहीं कर सकते। आप पता वीकली ब्रॉड प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीजें करनी है, उसको फिर टाइम आगे एडजस्ट कर, क्योंकि आप देखिए मशीन नहीं है, आप इंसान है और इंसान बेसिकली रूल ब्रेकर होता है। ठीक है, रूल ब्रेकर होता है, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ब्रेकर होता है इंसान। ठीक है, तो इंसान को मान लीजिए रूल ब्रेक करना है तो उसके लिए जो रूल्स है ना, इसका मतलब रिलैक्स रूल्स होने चाहिए, क्योंकि इंसान की बेसिक प्रॉपर्टी है रूल ब्रेक करना। ठीक है बच्चों, तो हैविंग ब्रॉड वीकली टारगेट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली टारगेट्स मेरे हिसाब से सेट करना अनरियलिस्टिक एक्सरसाइज है, क्योंकि आप वो करेंगे फिर वो आपसे अचीव नहीं होगा और फिर आप परेशान होंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, शेड्यूलिंग नेट प्रैक्टिस एट होम, ये एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक क्रिकेटर है, वो इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है, ठीक है ना, उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन हो गया है, अब इंटरनेशनल मैच खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल मैच खेलना है, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल मैच खेलना है, पिच तेज है, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो वो प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आपको नेट प्रैक्टिस करनी होती है पेपर से पहले। अब इमेजिन कीजिए आप कि 3 हफ्ते बाद आपका IIT है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे हर तीसरे हफ्ते का जो टेस्ट होता था, मैं तो उसको IIT की तरह लेता था, ताकि मुझे जब एक्चुअल मेरा IIT हो तो वो पेपर भी मेरे कोचिंग के टेस्ट की तरह ही लगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये केस ले लेते हैं कि हमें उस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, 3 हफ्ता हमारे पास है बच्चों, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, ठीक है। अब 3 हफ्ते के अंदर हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है कि हम 1 घंटे में मैथ्स के 18 क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आजकल मैथ्स के अंदर 18 क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग पैटर्न के, तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस पिक करके घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे हिसाब से एक आइडियल नेट प्रैक्टिस है। आइडियल नेट प्रैक्टिस का मतलब बच्चों क्या है कि मैंने मैथ्स का मान लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज कर रहा हूँ मैं, मेरे टेस्ट में आने वाला, तो उसके 18 क्वेश्चन मैंने देखे कि भाई अलग अलग पैटर्न के, बहुत सारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो मैंने 18 क्वेश्चन बनाए उसके और फिर उनको टाइम बाउंड मैनर में 1 घंटे में सॉल्व किया। फिर मैंने देखा कि भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मेरी सिली मिस्टेक्स कितनी हो रही है, मुझे कहाँ पे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ये सब चीज़ें मैंने इवेल्युएट की। क्योंकि जैसे ही मैं नेट प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे ही मेरी नेट में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी ना, अपने आप इंटरनेशनल मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और जैसे जैसे आप इंटरनेशनल मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देते जाएंगे, तो फिर जब आपका वर्ल्ड कप होगा तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी। तो वर्ल्ड कप क्या है, फाइनल IIT JEE का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो इसको भी आपको शेड्यूल में लाना है। अब देखिए, आप मान लीजिए टेस्ट है, अब लास्ट वीक का जो शेड्यूल है ना आइडियल टॉपर का, मतलब जो टॉपर होते हैं उनका जो आइडियल शेड्यूल होता है, तो लास्ट के वीक के अंदर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं। 1 घंटा लगा लिया फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा मैथ्स का, 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा मैथ्स का, एंड ये सब चीजें बच्चों ब्रॉड वीकली टारगेट्स का पार्ट होती है, समझ में आया। तो आप संडे को बैठे हैं, आपका अगले संडे टेस्ट है, तो आप क्या करेंगे कि सैटरडे को मैं 2 से, ठीक है। चलो अब आगे की हम लोग बात करते हैं, शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट हम लोगों को शेड्यूल करना है जैसे, ठीक है। तो शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप अपने कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, कोचिंग का आपने टेस्ट दिया, तो आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि आप उसी तरह से दें जैसे आप IIT का टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले सुबह आप लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। लाइट ब्रेकफास्ट करने से क्या है, 9 से 12 का जो टेस्ट है उसमें नींद नहीं आएगी। आप मान लीजिए कि आप अच्छे से सोए हुए हैं और सुबह 6:30 बजे आप उठ जाते हैं और फिर आपने 9 बजे टेस्ट देने गए, 9 से 12 आपने टेस्ट दिया, फिर 10 से 12 के, फिर 9 से 12 के बीच में टेस्ट देने के बाद 12 बजे से 2 बजे के बीच में किसी से भी बात नहीं, क्योंकि किसी से भी बात करने से प्रेशर आता है। जैसे ही आपने टेस्ट दिया और फिर वो बात की, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, आप क्या करेंगे 12 से 2 में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आराम से बैठेंगे कहीं पर, सोना नहीं है, सोने की हैबिट हमें नहीं डालनी है, ठीक है। आप लेना चाहते हो तो 10-20 मिनट्स का नैप ले सकते हो, नैप की आप प्रैक्टिस डाल दो, मगर सोने की प्रैक्टिस हमें नहीं डालनी है। फिर आपने खाना वाना खाया, खाना भी बिल्कुल लाइट खाना है, ताकि 2 से 5 आपको नींद ना आए। जो बच्चे दिन में 1 घंटा सोते ना, उनको 2 से 5 के बीच में पेपर में नींद आती है, मेरे साथ हो चुका है, मैं अपनी स्टोरी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो ये प्रॉब्लम जो बच्चों की होती है वो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से 5 फिर आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आप बच्चों से बात कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, क्योंकि आपको देखो क्या है, IIT JEE के दिन के लिए अपने आप को ट्रेन करना है। आपको पता है जयपुर में जिन बच्चों का टेस्ट सेंटर था, उनके पास जैसे मान लीजिए सेंटर में AC नहीं था, जहां पे ऑनलाइन पेपर दे रहे थे वो, और उनके जो कोचिंग में था ना वहां पे AC होता था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये इवेल्युएट करनी पड़ती है, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। जब आप मॉक कंडीशन में सारी प्रॉब्लम फेस कर लोगे ना, तो एक्चुअल कंडीशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइडियल शेड्यूल एक बच्चे का क्या होना चाहिए, सुबह लाइट ब्रेकफास्ट, फिर खाना, फिर टेस्ट, और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दो, फिर लाइट लंच, फिर वापस से टेस्ट, फिर आप आराम से खा सकते हो जो भी खाना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है, टाइम टेबल वेकिंग अप एट अराउंड 6 AM, फ्रेशन अप एंड बेदिंग बाय 7 AM, ठीक है। ये डेली शेड्यूल है जब टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है। अब क्या है कि मैक्सिमम बच्चे अगर जैसे स्कूल जाते हैं 8 से 12, तो स्कूल जाइए, वरना सेल्फ स्टडी करना है। फिर फ्रेशन अप एंड टेक लंच बाय 1 PM,
ठीक है, अगर आप स्कूल जाते हैं मान लीजिए तो वहां पे थोड़ा बहुत खेल कूद सकते हैं, ठीक है, रिवाइज फॉर कोचिंग, फिर 1 बजे के बाद रिवाइज कीजिए। कोचिंग का टाइम आपका 3 बजे से 8 बजे का है, 8 से 9 के बीच में डिनर कीजिए, 9 से 11:30 होमवर्क कीजिए कोचिंग का, और फिर आप सो जाइए ताकि 6.5 घंटे की आपकी नींद पूरी हो सके। तो अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से एक आइडियल शेड्यूल है ये,